अली जी, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हालांकि आपका गाना आ रहा है सनी लियोनी जी के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। ये गाना आ रहा है फिल्म कुछ कुछ लोचा है जिसमें सनी लियोनी जी जो एक्टर हैं, और हमारा प्रमोशन गाना है जिसमें सनी लियोनी हैं, डैनियल वाइबर हैं और अली कुली मिर्जा हम लोग हैं, हम तीनों हैं। और हम लोगों ने ये गाना जो है लॉस एंजलिस में शूट किया, मुझे इन लोगों ने फ्लाई करवाया, हम लोग लॉस एंजलिस गए, वहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियोज में बहुत लेविश लेवल पर हम लोगों ने गाना शूट किया है। और ये फिल्म इंशाल्लाह अप्रैल मई में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं गाने को, गाने को तो अभी भी सुन सकते हैं आप, मतलब एक महीने के बाद। बहुत रोमांचक था, बहुत अच्छा था सफर, ये एक नया एक्सपीरियंस था, एक सुपरस्टार के साथ काम करके यू नो यू गेट दैट एनर्जी वाइब, और मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हुआ लेकिन मजा बहुत आया। जैसे हम देख रहे हैं कि सलमान खान जी ने भी आपको एक मूवी ऑफर की थी जी, तो उसका वो मूवी का क्या हुआ? वो मूवी का इंशाल्लाह अभी मैं बाहर आया हूँ तो कबीर सर से 8-9 तारीख को मैं मिलूंगा, और जो है मिलके जो है हम लोग डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। सलमान सर ने अगर कहा है तो सलमान सर की जबान खुद 300 करोड़ की है, और बाकी उनकी बात है तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ की है, तो वो तो सलमान सर हैं, सुपरस्टार हैं, उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो जो आप सनी लियोनी जी के साथ जो गाना कर रहे हैं, जो सॉन्ग कर रहे हैं, सनी लियोनी जी आप हैं और डैनियल भी हैं, तो उनके साथ केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छा केमिस्ट्री थी, गाना बहुत अच्छा था ये इश्क, तो मतलब ऐसा लगा कि हम लोगों के लिए गाना बनाया, मजा आ गया। जैसे हम देखिए कि आप बिग बॉस के भी सफर में आ चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बिग बॉस के सफर में यार एज एंटरटेनर था, आखिरी दिन तक रहा, लोगों ने मुझे पसंद किया और मैं अपने सफर में एंटरटेन करता आया, लोगों को मजा दिया, कभी जी मेरे डायलॉग्स फेमस हो गए, लोगों ने मुझे पसंद किया, इतना मुझे बाहर आया मुझे पता नहीं था मुझे इतने लोग पसंद करेंगे, उन्होंने मुझे चैंपियन बनाया, मुझे टॉप 5 तक पहुंचाया, यू नो नंबर 4 हुआ हूँ, मतलब 4th रनर अप, थैंक यू सो मच, सो यू नो बहुत ज्यादा मजा आया। जैसे आप कम आउट जब सबसे पहले आप आए थे तो पोसिया में आपका एक सॉन्ग था इश्क मान, जी जी, एंड वो ट्रांसलेट हुआ था माय लव, या तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इश्क मान बहुत अच्छा गाना था, बहुत रोमांटिक गाना था, लोगों ने बहुत पसंद किया। इश्क मेरी मैं दिल में तेरे जा मैं तेरे रहने लगा, तुझे देखते ही तुझे चाहने लगा, जानिए मेरी तुझ में वसी, तेरे बिना जीना पाऊंगा, इश्क मेरी जा, बहुत प्यारा गाना था, हम लोगों ने दुबई शूट किया, लेविश लेवल पे बहुत मजा आया। आपने ऑलमोस्ट सारे खानों के साथ वर्क किया है, सलमान खान हो चाहे शाहरुख खान हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, रितेश देशमुख, रणबीर कपूर, कई सारे, तो उनके साथ कैसी केमिस्ट्री रही, सबसे रोमांचक आपको किसके साथ काम करना? सलमान सर के साथ बहुत मजा आया काम करके, बच्चन साहब के साथ मैंने शोज किए हैं उनके साथ बहुत मजा आया काम करके, मेरे लिए फख्र की बात है। रणबीर के साथ हम फुटबॉल खेलते हैं साथ में, बहुत अच्छे इंसान है, शोज भी किए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सलमान सर के साथ मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, जो केमिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा अली कम ऑन अली यू कैन डू इट, तुम बेस्ट एंटरटेनर हो, इतना मुझे सलमान सर ने सपोर्ट किया, हैट्स ऑफ सर, थैंक यू वेरी मच, और मेरी दिल से दुआ है आपके लिए कि आप सेहतमंद रहें हमेशा। अली जैसे आप सिंगर भी हो और क्या बोलते हैं सिंगर भी हो, कॉमेडियन भी हो, एक्टर भी हो, तो हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ की कैसे मैनेज कर सकते हो? देखिए ऐसा है कि मैं एंटरटेनर हूँ, और एंटरटेनर में सिंगर भी आता है, एक्टर भी आता है, कॉमेडियन भी आता है, और आप लोग जब तक मैं जनता को जो है मैं प्यार कर सकता हूँ, जनता मुझे प्यार दे रही है जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं वो चीजें करता रहूंगा जिससे जनता एंटरटेन होती रहेगी, जब जनता एंटरटेन होती रहेगी तो मैं कभी गाऊंगा तो कभी एंटरटेन करूंगा तो कभी नाचूंगा तो कभी ड्रामा करूंगा तो कभी एक्ट करूंगा, वो तो सब मैं करूंगा जनता के लिए, क्योंकि अब मैं जनता का बेटा हूँ अपने माँ बाप के बाद। फाइनली आपकी एक डेब्यू मूवी आई थी रोड करके, जी, तो जी, वो मूवी से आपने क्या इंस्पिरेशन, कैसे आप इंस्पिरेशन? रोड फिल्म जो थी जबरदस्त फिल्म थी, उस फिल्म ने दिलों को छुआ है, बच्चों को बहुत पसंद आई, पहली बार VFX में इतने बड़े लेवल पे शेर के साथ फिल्म आई, लोगों ने बहुत सराहना किया, बहुत क्रिटिक ने बहुत पसंद किया, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं अपने मेकर आबिस रिज्यू और डायरेक्टर कमल सदाना का कि उन्होंने मुझे चांस दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे लाइटिंग होती है, कैसे एंगल होता है, डायलॉग कहाँ कब बोलना है, तो बहुत कुछ सीखा। हम देख रहे हैं कि जब 2014 में सलमान खान जी ने डिक्लेयर हल्ला बोल बिग बॉस 8 सीजन 8 के कंटेस्टेंट रहेंगे, तो वो किस तरह की फीलिंग थी जब आपने ऐसे? बहुत अच्छी फीलिंग थी, मजा आ गया वो सुन के, बहुत अच्छा लगा, और लगा कि अभी एक महीना दिलो जान से काटना है, वो किया और दिलो जान से काम किया। आपका कोई पसंदीदा हम सुन सकते हैं?
पसंदीदा गाना आप सुन सकते हैं। जी हाँ, बुरे बुरे हम शैतान जारा दारा वचना रे हमसे रोजे बोध आशिक तो बोधा दस्ते चुन खेली राजी बोधा मौत हो बा शैतानी कर दिम नजदीक मन नए तो बुरे बुरे हम शैतान जारा दारा वचना रे हमसे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बॉडी थोड़ा ऐसे रहेगी, हाँ स्टार्ट। क्या कर रहे हैं? पसीना पोछने बोल दो। और टीसी देना का। तो सफर इनका शानदार रहा और अब बिग बॉस के बाहर अली क्या कर रहे हैं आइए जानते हैं। अली